हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं या ऑलरेडी कर भी रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए और कैसे कैसे हमें इस पर काम करना होगा। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो एज अ अकाउंटेंट आपको जो जो काम करने होते हैं मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल करती है आपकी कंपनी और उसी कंपनी में आपने ज्वाइन कराए, या फिर आपका खुद का बिजनेस भी है तो आप फ्लिपकार्ट पे सेल करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, सबसे पहले आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें आप अपनी सेल्स की एंट्रीज भी करेंगे, फर्स्ट चीज़ ये हो गई आपकी। इसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो रिटर्न भी आएगा, रिटर्न आएगा तो आपको रिटर्न की एंट्रीज भी करनी होंगी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी दो चीज़ों की। अब हम बात कर लेते हैं कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, रजिस्टर करने के बाद आपने लिस्टिंग करी होगी, प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सभी चीज़ें तो ऑनलाइन वाले का काम होता है जो कि जो अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन आप खुद ही करते हैं तो अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट का ये काम नहीं होता है, उनका बस काम होता है सिर्फ डेटा लेना, ठीक है, डेटा की एंट्रीज करना, उसके बेस पे गवर्नमेंट को जो है फाइल करना, TDS फाइल करना, GST फाइल करना, ये सभी चीज़ें काम होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ें क्लियर रहें तो ये वीडियो एंड तक देखिए, इसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें लिंक होती हैं और कैसे लिंक होती है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट वाले फ्री में तो सेल नहीं करने देंगे, उसके लिए वो कमीशन भी लेंगे और वो कुरियर की सर्विस भी देते हैं, उसके लिए वो फ्रेट चार्जेस भी लेंगे और वो आपके प्रोडक्ट को शो भी करते हैं, सभी एडवर्टीजमेंट जिसे कह सकते हैं, तो उसके लिए आपसे एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब वो दो तीन तरह के चार्जेस आपसे लेते हैं, लेकिन जब जिसको हम कमीशन बोल देते हैं, सिंपली हम ये कह देते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले आपसे कमीशन चार्ज कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, मंथली आपसे चार्ज करते हैं, उसके लिए इनवॉइस भी रेस करते हैं। जब वो इनवॉइस रेस करते हैं तो उस इनवॉइस को आपको अपने बुक्स में एंट्री करना होता है, उसके बेस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है जिसको जिससे कि हमें GST पोर्टल पे शो हो जाता है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपके यहाँ पे जो पैनल वाले हैं वो आपको पेमेंट करते हैं तो मंथली सेल जितनी होती है उसका 1% वो यहाँ पे TCS भी कट कर लेते हैं, TCS कट करके डिपॉजिट करा देते हैं जो कि आपका GST पोर्टल पे शो होता है। GST पोर्टल पे आप TCS रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये शो करेगा, जिस भी पैनल पे आप सेल करते हैं सभी का शो करेगा और वहाँ पे भी आपको इसका इनपुट लेना होगा जो कि हमारे कैश लेजर में चला जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लिंक करने की कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें क्लियर हो। चलिए, ये थोड़ा मैं डीप में चली गई। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सबसे पहले कमीशन इनवॉइस आ गया, फ्लिपकार्ट वालों ने आपको कमीशन इनवॉइस दिए, आपने उसके प्रिंट निकाल के अपने फाइल में लगा दिए, उसकी एंट्रीज कर ली, एंट्रीज इस तरह से करनी है कि आपने B2B पार्टी से ट्रांजेक्शन है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपको इनपुट भी लेना है। अब क्या करना है कि जितना उन्होंने कमीशन, अब वो कमीशन के इनवॉइस रेस करेंगे, साथ में क्रेडिट नोट के इनवॉइस भी हो सकता है रेस करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जितना भी कमीशन था, मान लीजिए 100 रुपये आपका कमीशन हुआ, क्रेडिट नोट उन्होंने इश्यू करा है 20 रुपये का, तो 100 में से 20 को आपको माइनस करके 80 रुपये के ऊपर आपको यहाँ पे TDS जो फ्लिपकार्ट का TDS काट के डिपॉजिट भी कराना होगा उनके पैन नंबर पर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो सिर्फ एक अकाउंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। जो पैनल वाले होते हैं वो उनके अंडर में एक लिमिट होती है कि उनका TDS आप कितना डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो उसमें लिमिट दे देते हैं, जैसे कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे कितना आप यहाँ पे जमा करेंगे, जैसे कि फ्रेट चार्जेस वगैरह होते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्टर में आपको करना है। अगर आपका कमीशन होगा तो कमीशन के लिए अलग से वो एक लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसमें लिमिट लिखी रहेगी और लोअर डिडक्शन रेट, जैसे कि कमीशन पे तो 5% होता है, उसमें हो सकता है 0.001% हो या 0.1% हो, 0.02% हो, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे ट्रेसेस के साइट से डाउनलोड करना होगा, उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे करना है। अगर
लिमिट उससे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.5 लाख की लिमिट थी कि 2.5 लाख तक का कमीशन होगा तो आपको इतने परसेंट काटना है, इससे ऊपर होगा तो आपका सेम नॉर्मल रेट से जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, उसी रेट से आपको फिर TDS यहाँ पे कट करके डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो आप तो जानते ही हैं, हमें जो TDS होता है वो मंथली यहाँ पे पेमेंट करनी होती है, लेकिन जो हमारी रिटर्न होती है वो क्वार्टरली फाइल करनी होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फ्लिपकार्ट के कमीशन से रिलेटेड, और उस पर जो TDS और TCS की बात थी। ठीक है, TCS और TDS दोनों ही चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट से कितनी पेमेंट आती है। तो पेमेंट देखिए 15-15 दिनों में रिलीज़ होती हैं, लास्ट जैसे कि 15 दिनों में जो सेल हुई है उसकी पेमेंट नेक्स्ट वाले में आएगी, ना कि सेम डे आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो टाइम टाइम से रिटर्न भी आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो आता जाता है। और पेमेंट के लिए आपके जो पैनल होते हैं उस पैनल पे भी शो करता है कि इस डेट को इतनी पेमेंट आई है, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई अपने बैंक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में आपकी सारी एंट्रीज जो होंगी वो किस नाम से आ रही हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ्लिपकार्ट के नाम से ही पेमेंट आ रही है तो उसको फ्लिपकार्ट के लेजर में ही आपको एंट्री करनी है। कभी कभी बहुत सारे पैनल होते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें काफ़ी केयरफुली ध्यान से करनी होंगी और मंथली मैच करना होगा। ये सभी चीज़ें हो गई हमारी ई-कॉमर्स पैनल से रिलेटेड, और इसमें आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपको और भी कोई वीडियो ऐसी चाहिए जो आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है या वो क्या है, या आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आता है अकाउंट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा ID है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मुझे अगर क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूँगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई हो सकती हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, विजिट करिए। GST से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, अकाउंट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप के फॉर्म फिलअप करने नहीं आते हैं उससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन पर भी विजिट करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ई-कॉमर्स से रिलेटेड मैंने वैसे आज की वीडियो में काफ़ी बातें कर ली हैं, फिर भी मैं जितनी हो चीज़ें हो सकती हैं मैंने कवर करी है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।